नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड के रौन पुलिस द्वारा अवैध शराब की 70 पेटी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। कुल 3500 क्वार्टर देसी शराब 630 लीटर के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। भिंड पुलिस अधीक्षक श्रीमान डॉक्टर असित यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के मार्गदर्शन नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अवैध शराब विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रौन से थाना प्रभारी रौन निरीक्षक शक्ति यादव द्वारा टीम का गठन किया। दिनांक 31 मार्च 2024 को रौन पुलिस टीम द्वारा मेहराखुर्द से अवैध शराब की 70 पेटी, जिसमें कुल 3500 क्वार्टर देसी शराब की कीमत करीब 2,80,000 रुपए की शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वह एक आरोपी फरार है। मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। सराहनीय भूमिका। थाना प्रभारी रौन निरीक्षक शक्ति यादव, उप निरीक्षक रविंद्र तोमर, सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह, प्रधान आरक्षक अरविंद प्रताप तोमर, शैलेंद्र सिंह, अजय चौहान, सुनील तोमर, इंद्रवीर परिहार, कौशल सिंह आरक्षक, राहुल तोमर, प्रेम प्रकाश सिंह, नवीन तोमर, कौशल जाट, विपिन जाट, दीपक राजावत, अभिषेक राजावत, शिवम सेंगर एवं समस्त साइबर सेल भिंड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंडिया न्यूज 28 के लिए कैमरामैन मुस्कान के साथ दिलीप सिंह सेंगर, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, उसी के परिप्रेक्ष्य में कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर से आज सुबह तड़के पुलिस टीम द्वारा ग्राम मेहरा में जाकर दबिश दी गई, जिसमें दलवीर सिंह चौहान आरोपी जो अपने कुएं पर था वहाँ पर पुलिस को देख के भागा, जिसे पकड़कर पूछताछ की, जो उसके कुएं पर बने हुए कमरे से 70 पेटी अवैध शराब, जिसमें से करीब जो कि 2,80,000 रुपये कीमती 630 लीटर अवैध शराब मौके पर पाई गई, जिसके संबंध में आरोपी से लाइसेंस पूछा गया, जो उसके द्वारा कोई लाइसेंस नहीं बताया गया। तब उक्त आरोपी को थाने लेकर आए, अवैध शराब को कब्जे पुलिस लिया गया, वह थाने लेकर आए, वह उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।